मुकेरियां के गांव ठाकुर द्वारा KCRPF जवान मनोज कुमार का पार्थिव देह गांव पहुंचने पर इलाके में शोक की लहर। होशियारपुर मुकेरियां के गांव ठाकुर द्वारा के शहीद मनोज कुमार का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर उनके गांव पहुंचा तो पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। इस सदमे से परिवार का रो रोकर बुरा हाल है। जानकारी अनुसार हेड कांस्टेबल मनोज CRPF की 173 बटालियन दीमापुर नागालैंड में तैनात था। कुछ दिन पहले मनोज को ड्यूटी दिल का दौरा पड़ गया। मनोज को तुरंत अस्पताल में दाखिल करवाया गया जहां उसकी मौत हो गई। मनोज का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान CRPF के आला अधिकारियों ने मनोज की श्रद्धांजलि भेंट की। शहीद मनोज अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गया है। हाँ, मनोज कुमार एक्चुअली 14 तारीख को बीमार हुआ थोड़ा, तो उसको हॉस्पिटल में लेके गए थे, तो उसको बेड रेस्ट दिया था डॉक्टर ने, लेकिन उसके बाद में फिर ठीक हो गया था। तो 21 तारीख को लगभग 9:30 बजे के लगभग इसको फिर एक बार सीजर अटैक आया, और सीजर अटैक के दौरान में ये बेहोश हो गया। हमारा एक कॉन्स्टेबल है जो डॉग हैंडलर का काम करता है, उसने देखा तो ये बेहोश की हालत में था। बेहोश तो हमारा MI रूम होता है जो CRPF का, तो 173 बटालियन का जो MI रूम है उसमें लेके गया। तो एक्चुअली वहाँ पे हमारा जो डॉक्टर है वो था नहीं, पोस्टिंग हो गया डॉक्टर, तो इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले गए तो इसको चेक किया, इसके नब्ज़ वगैरह देखा, तो इसको डॉक्टर ने ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। ड्यूटी के प्रति बड़ा ईमानदार, बड़ा ही अच्छा सिपाही था, बहुत ही अच्छा सैनिक, और इसका व्यवहार सभी लोगों से, लगभग इसकी 19 साल की सर्विस में जहाँ पे भी ये रहा, मणिपुर, आसाम, J&K, जिस क्षेत्र में भी रहा और अपने क्षेत्र में जहाँ भी इसको जो काम बताया गया, वो भी किसी अधिकारी ने या किसी कार्मिक ने, सबके प्रति इसका बहुत ही अच्छा व्यवहार था और सबको चाहने वाला जवान था, बहुत ही अच्छा जवान, सबके साथ मेल मिलाप से रहने वाला था। ये हमारी सलामी टुकड़ी 245 बटालियन CRPF कपूरथला से आई है। CO साहब ने और उधर से बटालियन ने बहुत ही गहरा दुख व्यक्त किया इसके ऊपर। ये जो सलामी देने के लिए टुकड़ी आई है, ये 245 बटालियन CRPF। सानू पता लग गया, ये दिनांक मैं भी ऑन ड्यूटी था, 21 तरीक कोई 10:30 बजे मैंने फोन आया घरों। उस तो पहले इन्होंने घर दें बच्चों भी गल हुई है, इन्हों की भाजी उन्होंने फोन आया, भाभी जी ने गल हुई है, बच्चों गल हुई, मम्मी जी ने गल नहीं हुई। तो गल होने तो बाद जिदा फोन कट दिता, इन्हें कहता मैं दोबारा फोन करता है, दोबारा फोन करना। 1 घंटे तो बाद सानू खबर मिलती है कि इन्होंने मतलब डैथ हो गई है। कि तो महकमे वाले सर आए हुए हैं, हमारे CRPF के जो सर हैं, बाकी ना डिटेल का पता की होया कि नहीं, कि अं उत्तर जा नहीं सके क्यों नागालैंड ड्यूटी है उन्होंने, इतों काफ़ी देर लग सकता है टाइम। परिवार के पिछे मदर फादर है, ब्रदर है, मैं हूँ, और मेरी सिस्टर है एक, और दो बच्चे हैं इनके, जो एक 6वीं क्लास में, एक 5वीं क्लास में है।